फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग आईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेकंड ट्यूटोरियल में एचटीएमएल के कुछ बेसिक टैग्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मैंने जैसा आपने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग जब भी एचटीएमएल का कोड लिखते हैं उसमें हम लोग ये सारे कोड्स को लिखना कंपल्सरी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो मैं टाइटल टैग में लगा देती हूँ बेसिक टैग्स ऑफ HTML। अब मैं बॉडी टैग में एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहती हूँ, वेलकम टू क्विक लर्निंग आईटी चैनल। अब मैं इसे सेव करके रन करवा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है वेलकम टू क्विक लर्निंग आईटी। अब मैं चाहती हूँ जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो क्या करे, लाइन को ब्रेक करे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे कुछ भी लिखती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, और इसे मैं यहाँ पे सेव करके रीलोड करती हूँ, तो देखिए ये सेम लाइन में ही आ रहा है। तो आप अगर चाहते हैं हेलो नेक्स्ट लाइन में जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर br टैग लगा देना है। ये लाइन ब्रेक का काम करता है। अब मैं इसे रीलोड करूंगी तो देखिए हेलो नीचे आ गया है। इसे आप सेम ही लाइन में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस हेलो को यहाँ पे लिखती देखिए तो भी ये नेक्स्ट लाइन में शो कर रहा है, यानी कि हम लोग br टैग लगाकर किसी भी मैसेज को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। मुझे किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज काफी बड़ा रखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, h1 टैग लगाऊंगी। अब अगर मैं h1 टैग में लिख देती हूँ हेलो, और मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे हम लोग किसी भी टैग को ओपन करते हैं html में तो हमें उसे क्लोज भी करना होता है इस फॉरवर्ड स्लैश और वही सेम टैग को लिखकर। सिर्फ कुछ ही ऐसे टैग्स होते हैं जिनके लिए हमें क्लोजिंग टैग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि br टैग में कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, इसी तरह से इमेज टैग में भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो हम लोग इमेज टैग के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए इसका फॉन्ट काफी ज्यादा लार्ज साइज का दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ इसे थोड़ा कम साइज का एक आए हेलो लिखा हुआ, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे h2 टैग लगाऊंगी। इसे ही मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और इसका नाम क्या होगा h2। और देखिए इसे ये कम साइज का है। अब इस तरह से करते करते ये टोटल कितने होते हैं h6 टैग्स तक। ये हो गया हमारा h3, h4, करूंगी तो देखिए, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके फॉन्ट साइज को काफी ज्यादा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी पैराग्राफ को इंसर्ट करवाना रहा तो मैं क्या लगाऊंगी, टी टैग पर लगा दिया पैराग्राफ टैग, और मैं यहाँ पे कोई लाइन डाल देती हूँ जैसे ब्रेक अ लेग, फिर हम लोग टी टैग को क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया है पैराग्राफ, इसमें आप कोई भी पैराग्राफ को यूज कर सकेंगे पी टैग से। अब मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि कोई लाइन जो है वो सेंटर में आए, या फिर लेफ्ट आए, या फिर राइट आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग पी टैग लगाते हैं, देन अलाइन लिखते हैं। अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट के लिए तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, बट राइट के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं राइट। मैं सेम लाइन को ही कॉपी कर लेती हूँ। और पी टैग यहाँ पर क्लोज होगा। अब देखिए ये यहाँ पर राइट साइड शो कर रहा है।
अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में शो करे तो मैं क्या करूंगी, राइट की जगह सेंटर लिखूंगी। देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी जो मैं लाइन डाल रही हूँ वो काफी ज्यादा बोल्ड दिखे तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बी टैग लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये इसे बोल्ड कर दिया है बी टैग।